तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी अगर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उस केस में क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्त कि आपका जो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट होता है उसके अगेंस्ट। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, डिग्री हो गई, या एक्सपीरियंस लेटर हो गया, लीविंग लेटर हो गया, तो ये बेसिकली आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन वगैरह के होते हैं। बट बहुत सारे केस में क्या होता है कि आपके पास हो सकता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना हो। जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट होते हो तो आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं होती है, मे बी लास्ट ईयर की आपके पास मार्कशीट नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और बोल रही है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप कभी मत सबमिट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो चाहे 2 दिन के लिए बोलें, 1 वीक या 15 डेज या 1 मंथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपको किसी भी कंपनी में सबमिट नहीं करना है। हाँ, वहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर कंपनीज ये बोल रही कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ ज्वाइनिंग के टाइम पे, तब आपको डॉक्यूमेंट्स वो ज्वाइनिंग के टाइम पे लेके जाने हैं और सेम डे सेम टाइम पे आपको रिटर्न लेके वापस आना है। कंपनी अगर बोलती है कि 1 दिन के लिए सबमिट किए जाएंगे, 2 दिन के लिए सबमिट किए जाएंगे, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी सबमिट नहीं करने हैं। एंड इसी में एक दूसरा केस बनता है कि जब आप किसी कंपनी में बॉन्ड एग्रीमेंट वगैरह पे साइन कर रहे होते हो या अपनी सर्विस के लिए सर्विस पे साइन कर रहे होते हो, तो उस केस में भी कंपनी आपसे ये बोल सकती है कि नहीं नहीं आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपका 2 ईयर का बॉन्ड है, 3 ईयर का, 1 ईयर का बॉन्ड है। तो मैं आपको बोलूँगा कि कंपनी में जाने से पहले बहुत अच्छे से ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई करें कि कंपनी में काम कैसा है, कितना वहाँ प्रेशर रहता है, क्या क्या काम होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हो तो सबमिट करें। मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट सबमिट करो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए। एंड दोस्तों, वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो सकता है आपको बोल के बताया कि आप IT सपोर्ट के लिए हायर हो रहे हो, आप डेटा साइंस के लिए हायर हो रहे हो, आप क्लाउड के लिए हायर हो रहे हो, आप जावा के लिए हायर हो रहे हो, बट उस केस में होता क्या है कि कंपनीज में अंदर जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, फिर हो सकता है काम वो दूसरा दे देते हैं, हो सकता है जनरल शिफ्ट बता के आपको नाइट शिफ्ट में काम करना है। तो ये जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो उस केस में बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो कंपनी में कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करने हैं, वो चाहे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए हो, चाहे एक जॉब बॉन्ड या अग्रीमेंट के लिए हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर आपका किसी भी तरीके का कमेंट या क्वेरी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड आपका कुछ और क्वेरी, आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे मैं कंसल्ट प्रोवाइड कराता हूँ, बट चार्जेबल कॉल होती है आपको 30 मिनट के लिए। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।